कैसे लगी था कश्मीर फाइल? इसको मूवी बोलना बंद करो आप। जी सर, ये पिक्चर नहीं है जी, ये एक सच्चाई है इस देश की, जो हमारे देश के सेकुलर सेकुलर शब्द भी मत बोलो उनको, हिजड़ा कायर बोलो उनको जी। उन लोगों ने ये सच्चाई छुपा के रखी है। धन्यवाद दूंगा इस डायरेक्टर को जिसने ये सच्चाई बाहर लाया, और जूता मारे उन सेकुलरों को, उन कुत्तों को जिन्होंने इतनी सच्चाई छुपा के रखी है, इस देश को बर्बाद किया है। हर चीज़ मालूम है क्या? 1947 में कितने हम बर्बाद हुए आप लोगों को मालूम है? कितने हिंदुओं के पे अत्याचार हुआ क्या आप लोगों को मालूम है? किसी किताब में पढ़ाया गया कि वहाँ से औरतों को नंगा करके जब वो निकलती थी हिंदू औरतें तो उनको नंगा किया जाता था? हमारे देश की किसी किताब में पढ़ाया गया? लेकिन हिटलर ने क्या किया ये पढ़ाया गया? कौन लगता था हिटलर हमारा? ये क्या जिन्होंने इतिहास लिखा उनका बाप था? रोना क्यों नहीं आता? लोग नामर्द है इस देश के। मुझे तो अफसोस इस देश के यूथ का है। जब मैं टॉकीज में बैठा था ना तो मेरे पीछे कुछ जवान लड़के हंस रहे थे। अगर उनकी माँ बहनें वहाँ होती तो वो हंसते। ये पिक्चर नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है। करवाइए ये, बर्बाद किया है हमारे देश को। ताली मत बजाओ, नफरत करो। सबसे पहले नफरत उन हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत बर्बाद किया है हमारे देश को, बहुत हुआ है। अरे नफरत करता हूँ, मुझे किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, मुझे नफरत है देश के उन हिंदुओं से जो इन लोगों को पालते हैं, नफरत है सेकुलरों से। मर जाओ भड़वो। शिवाजी ने अपना सिर कटा लिया, महाराणा प्रताप समझा गए, लेकिन इस देश को बर्बाद किया तो सेकुलर हिंदुओं ने, किसी दूसरे ने नहीं। किसी बाहर के आक्रांता में हिम्मत नहीं थी कि हमारे देश को बर्बाद कर देता। हमारे देश को बर्बाद किया है हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं ने। शिवाजी अगर हारे हैं या वो जीत नहीं पाए तो हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं के लिए। महाराणा प्रताप अगर इस देश को आज़ाद नहीं करा पाए तो हमारे देश के गद्दारों के लिए। और आज भी गली गली में गद्दार है। इन गद्दारों से व्यापार करना बंद करो, इन गद्दारों से बहन बेटियां देना बंद करो, इनका पानी पीना बंद करो। अगर मेरा सगा भाई भी सेकुलर है तो वो मेरा दुश्मन है। अगर हो सके तो दोस्तों ये पिक्चर देखो, छोटे महाराज सालों को। कैसे लगे था कश्मीर फाइल्स? कैसे लगे सर? अच्छे। कुछ रियलिटी देखने को मिली? पूरी रियलिटी है सर, पूरी रियलिटी। और एक तरह से घाव है जो कुरेदा गया जी, वो पूरी रियलिटी। सर कैसी लगी मूवी? मूवी तो बहुत शानदार है, और ये पहले आना चाहिए। अभी बात में आया, हमारे भाई साहब बताएंगे सारी चीज़ें। भाई साहब आइए सर, आइए। कैसी लगी मूवी? मूवी ये देखो, कश्मीर की जो सच्चाई है उसके विषय में बताया गया, और बहुत ही मतलब दर्दनाक स्टोरी है। देखा जाए तो मतलब ये सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरह से कुछ लोगों के साथ कैसा अन्याय हुआ, और मतलब जिंदा मतलब बहुत क्रूरता दिखी है। मतलब अंदर से आदमी भावुक हो जाता है उस चीज़। सर ये जो मूवी बनाई है जी, ये आज की जनरेशन को पता भी नहीं है कि क्या हुआ था उस समय। लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है गवर्नमेंट ने, मीडिया ने, किसी ने भी। ये इस मूवी में हकीकत बताया है कि हुआ क्या था। पूरी सच्चाई दिखाई सर, पूरी सच्चाई बताइए। और बहुत शानदार मूवी, अल्टीमेट मूवी, करोड़ों का व्यापार करनी चाहिए ये मूवी। सर मूवी अच्छी थी, लास्ट में जो समझाया ना बहुत बढ़िया समझाया, लास्ट में सब बता दिया ओवरऑल हुआ क्या था, और अच्छी थी। अच्छी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। मूवी में कॉन्सेप्ट है कि विलन कौन है जिन्होंने किया था, तो ये मूवी का कॉन्सेप्ट है। तो इसी में है कि जो शिकारा मूवी आई थी उसमें ये बता दिया था कि मतलब उसमें मूवी बनाई थी, लेकिन जो विलन कौन है, जो जिम्मेदार है 21 जेनोसाइड के, उनका नाम बताया नहीं था। वो क्लियर प्रोपेगेंडा था, लव स्टोरी बना दी उन्होंने। इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई है। और इनमें ये भी बताया कि जो प्रॉपर विलन कौन है, जिम्मेदार कौन है, जो जेनोसाइड है, जो पूरी जो इन्होंने पूरा प्रोसिक्यूशन किया था हिंदू पंडितों, कश्मीरी पंडितों का, सिखों का, पूरा इसमें अच्छे से बताया गया है। बोल सकते हैं कि रियल स्टोरी है और डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाई है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है और देखनी चाहिए। और जो सेक्युलर का जो धब्बा है एक अपने देश के ऊपर, कि सेक्युलर बनने के बाद जो बताते नहीं है, जो असली रियल और हिस्ट्री नहीं बताते हैं, जो रियल इतिहास है कश्मीर का, उस जो आक्रांताओं ने जो किया था, जो वहाँ के जो भी कम्युनिटी थी,
उन्होंने जो कश्मीरी पंडितों को भगाया था, वो कैसे वो टेंटों में रहे, कैसे उन्होंने गुजर बसर की, आज भी वो मतलब उनके तकलीफ को पूरी बिल्कुल बिल्कुल आज भी वो रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। कश्मीर में खुद गया वैष्णो देवी, तो वहाँ पे जो रिफ्यूजीज जो रहते हैं टेंट में आज भी हैं, उनके पुनर्वास का अभी तक कुछ किया नहीं। 370 हटी है, देखते हैं परिवर्तन आएगा, लेकिन बहुत अच्छी मूवी देखनी चाहिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये है कि मूवी देखें और रिलेट करें जो असली हिस्ट्री जो आपको बताई नहीं जाती है, जो रियल हिस्ट्री है जो दबा दी गई है, क्योंकि जो बोलते हैं ना थिंकर्स जो होते हैं वो थोड़े वेस्टर्न कल्चर से अफेक्टेड हैं, तो वो कुछ जो रियल इतिहास है जो है वो बताते नहीं है, तो इसमें सब कुछ बताया गया है। अग्निहोत्री जी की जो मूवी है वो खुद कश्मीरी पंडित हैं, शिकार हैं, तो सब कुछ बताया गया है, रियल स्टोरी। आप अग्निहोत्री जी को इस फिल्म के लिए कितने स्टार देना चाहेंगे? जी 10/10 है, जो इन्होंने जो सत्यता बताई है, जो एक बोलते हैं ना एक विलन होता है एक स्टोरी का, जो विलन कौन है उस 1990 की स्टोरी का, जो उनका रिफ्यूजीज बनके जो भारत के पूरे देश में जो फैल गए कश्मीरी पंडित, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा जो उनका कश्मीर घर था, तो उनको विलन कौन है बिल्कुल बताया गया है, बहुत अच्छी स्टोरी। थैंक यू।